नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही शानदार है, हम सभी को गर्व करना चाहिए, खुश होना चाहिए और इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी को देश के सबसे बेहतर पुस्तकालय का पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि आपका जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो एक सेंट्रल लाइब्रेरी है वो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय है। भाई हम सभी को तो गर्व होना ही है। और मैं बता दूं, BHU में डिपार्टमेंट फैकल्टी में पढ़ाई हो या ना हो, वहाँ की क्लासेस ठीक से चले या ना चले, हम सभी के लिए हमेशा BHU के सेंट्रल लाइब्रेरी का द्वार खुला रहता है। यहाँ आइए, सेल्फी स्टडी कीजिए और बहुत सारा ज्ञान ले जाइए। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, मैं बहुत सारे टॉपरों का टॉक कर चुका हूँ। CAPF का फर्स्ट रैंक जो थे भैया, उन्होंने भी यहाँ के लाइब्रेरी को ही अपना पूरा क्रेडिट दिया था, चाहे UP TET का रिजल्ट हो, चाहे PET का रिजल्ट हो, साथ ही साथ UGC NET का रिजल्ट हो। सभी लोगों के अगर टॉक सूट किए जाएं तो पहला क्रेडिट वो देते हैं कि BHU के सेंट्रल लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी बहुत सारे महानुभाव तो यहाँ प्रेम भी पा लेते हैं। UG में मेरा ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरे एक दोस्त को यहाँ प्रेम भी मिला, उनका प्रेम आगे बहुत फला फूला। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय में जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं वो इस लाइब्रेरी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। देखो, क्रिटिसाइज करने के लिए लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको चूज करना है कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपको नहीं पता है कि बाकी देश के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, आपको BHU मिला है तो BHU की कुछ अच्छी चीज़ों को आप ले जाओ। बाकी ये शानदार वीडियो आपके लिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, BHU पाठशाला देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हर कोई अपने स्टेटस पे जरूर लगाएगा। ओके, हर हर महादेव। सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी।